बॉबी देओल को ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग हो रही है। क्यों हो रही है ट्रोलिंग उनकी? दूसरा, बॉबी देओल ने एनिमल पिक्चर क्यों स्वीकार किया, जो कि उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाता, या यूं कह सकते हैं कि देओल फैमिली बिल्कुल हमेशा से पॉजिटिव कैरेक्टर करती रही, निगेटिव कैरेक्टर उन्होंने किया नहीं है। और निगेटिव कैरेक्टर में भी इस तरह का कैरेक्टर, जैसा कि एनिमल में बताया जा रहा है कि बिल्कुल एक नरभक्षी इंसान बने हुए हैं बॉबी देओल। अब सच्चाई क्या है मूवी के बारे में, आगे क्या आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो मीडिया के सूत्रों से पता चला वो यही पता चल रहा है कि कैनिबाल का रोल कर रहे हैं, लेकिन ये सब बातों पे बाद में बताया गया। तीसरा कि बॉबी देओल ने किसके कहने पे ये जो एनिमल पिक्चर है उन्होंने साइन किया, कौन व्यक्ति है इसके पीछे जिन्होंने मोटिवेट किया इस तरह का कैरेक्टर करने के लिए। मैं ये पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये पूरी वीडियो पूरी बात इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जैसे आप धर्म पाजी या सनी पाजी के फैमिली के फैन हैं वैसे मैं भी हूं। मैं ये वीडियो अपने दिल से बनाता हूं और उनके फैमिली से जुड़ी हुई खबरें मैं ढूंढ ढूंढ के लिए आपके लिए लेके आता हूं कि ताकि आप लोग किसी और न्यूज से वंचित ना रह जाए या उनके फैमिली के जुड़े हुए न्यूज से वंचित ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत ढूंढना पड़ता है, ऐसी न्यूज जनरली मिलती नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी पता चल सके मेरे वीडियो के बारे में। लाइक और कमेंट क्योंकि वैल्यूएबल होता है, वो जरूर करते रहना चाहिए, वो मेरा मार्गदर्शन का काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉबी देओल आजकल सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग के लिए चर्चित है। उसका वजह ये है कि आप सोचिए, ये खबर बताने से पहले मैं एक बैकग्राउंड बता दूं कि जो विषय पे उनको ट्रोलिंग की जा रही है वो विषय आज का नहीं है, लेकिन कोई भी जो बॉबी देओल या सनी देओल के फैमिली के लोग जो विरोध में खड़े रहते हैं या अंदर से, वो कभी भी ऐसा मौका चूकते नहीं हैं अगर मौका मिल जाए कि कैसे इस फैमिली को डिमीन किया जाए या इनके बारे में प्रोपगंडा चलाया जाए, निगेटिव इन्वायरमेंट बनाया जाए, वो कभी नहीं चूकते। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं, ये खबर आज की नहीं है, बहुत पहले की है, जब वो एक एड की शूटिंग कर रहे थे और एड के शूटिंग के दौरान वो जब एक जो स्टंट मैन है उसको पंच मारते हैं तो वो बैकफ्लिप करके वो गिर जाता है टेबल के ऊपर, टेबल पे गिरने से टेबल टूट जाता है और उसके बाद वो बॉबी देओल उसको केयर नहीं करते ना हाथ देते हैं, मतलब ये बिहाइंड द सीन BTS, मतलब बिहाइंड द सीन ये वीडियो जब जारी किया गया BTS का, तब ये बातें आई और खबर की। अब किसने किया, कैसे किया, क्या उसका पीछे का उद्देश्य था, वो तो भगवान जाने ऊपर वाला, लेकिन ये बहुत पहले का है, आपने TV पे ये एड देखा होगा, उसका मैं फोटो एक डाल देता हूं। तो उसमें क्या हुआ, वो ब्लैक फ्लिप करके गिर जाता है लेकिन वो उठाए नहीं, तो उसको ट्रोलिंग देखिए कैसे लोगों ने कमेंट, कैसे बॉबी देओल हैं, उनको हाथ देना चाहिए था, वो लोग ऐसे ही हैं, उनकी फैमिली पूरी रूड है, मैं तरह तरह के कमेंट और उनको ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने जवाब भी दिया कि चूंकि वो शॉर्ट को करने में काफ़ी टाइम लग गया था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि फिर से हाथ गंदा हो और उसको मेकअप करने में टाइम जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ट्रोल आदमी रुकने वाली थी ने, उन्होंने बोला कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी ही है, ये लोग किसी का केयर नहीं करते, तो तरह तरह की बात है। तो ये तो हो गया कि सोचिए ये कब की बात है, अभी क्यों लाना था, और उस पर सफाई भी आ गई उनकी तरफ से। आपने देखा होगा कि सनी देओल जैसे ही अभी गदर की सुपरहिट का बुखार चढ़ने लगा या फीवर आने लगा, चारों तरफ गदर गदर होने लगा, तभी एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें दिखाया गया कि सनी पाजी जो हैं ड्रिंक करके शराब पी के और अपने फैंस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि सनी देओल अभी अपने राजवीर देओल के साथ, अपने बेटे के साथ वो एक कार में घूम के इंटरव्यू दे रहे थे एक व्यक्ति को, तो उसमें उन्होंने खुल के बोला है कि वो कभी भी शराब नहीं पीते। उन्होंने एक बार ट्राई किया था जब वो लंदन गए हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने को लगा ये बेकार का चीज़ें क्यों पीना चाहिए,
लेकिन ट्रोल आर्मी तो ट्रोल आर्मी है, लगी रहती है। तो हमेशा से एक गैंग रहा है जो इनके फैमिली के खिलाफ हमेशा प्रोपगंडा चलाता रहा है या निगेटिव इन्वायरमेंट बनाने का प्रयास करता है। अब दूसरी खबर ये है कि बॉबी देओल ने ये एनिमल पिक्चर क्यों साइन किया। जब एनिमल पिक्चर साइन कर रहे थे या उनकी कहानी जो थी, जिस जब संदीप रेड्डी वांगा ने उनको सुनाया तो बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि तब तक उनका कोई ऐसा करेक्टर या ये बोल सकते उन्होंने ऐसा करेक्टर नहीं किया था जो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो। और ये निगेटिव में भी निगेटिव है। आप सोचिए कि मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसा सूत्रों से बता रहे हैं कि नरभक्षी का रोल कर रहे हैं, तो वो बहुत ही चिंतित हो गए कि भाई ऐसा कैरेक्टर कैसे कर सकता हूँ जिसमें। लेकिन जो संदीप रेड्डी वांगा थे वो चाहते थे कि मतलब एनिमल का हीरो जो एनिमल बनता है, पिक्चर का नाम ही एनिमल है, तो विलेन ऐसा होना चाहिए कि वो एनिमल से भी खतरनाक हो, एनिमल में भी एनिमल हो, कि जिसको देख के दर्शक डर जाए, दर्शक दहशत में पड़ जाए सिनेमा हॉल के अंदर, थिएटर के अंदर, और वो जस्टिफाई करने लगे कि जो एक्टर एनिमल बनता है, जो फिल्म का हीरो एनिमल बनता है, तो वो ठीक बनता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हीरो ही एनिमल हो, निगेटिव कैरेक्टर करने लगे, तो उसके लिए सिचुएशन भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो जस्टिफाई हो सके कि भाई ये ठीक होगा, ऐसा किया तो ठीक किया। तो उस तरह का खूंखार रोल होना चाहिए जो विलन है, कि जिसको देखकर दर्शक एकदम डर जाए। तो जब ये खबर उनको बताया गया या ये स्क्रीन पटकथा उनको शेयर की गई रोल को, तो बहुत चिंतित हो गए, वो करना नहीं चाहते थे। तो आप सोचिए उन्होंने किसके साथ शेयर किया और किसके राय जानी। उनके घर में धर्म पाजी बहुत बड़े एक्टर हैं, सनी पाजी भी बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन आपको सोच के हैरानी होगी कि उन्होंने ये बात किससे शेयर की। चलिए मैं पर्दा उठाता हूँ, उन्होंने ये बात राजवीर देओल से शेयर की, जबकि उनकी पिक्चर भी नहीं आई थी दोनों। और राजवीर देओल जब ये बात बोलते हैं, उन्होंने अभी इसके बारे में बताया है, तो जब वो बोलते हैं तो उन्होंने ये भी बताया कि आश्रम भी तब तक नहीं आई थी। मतलब सोचिए कि आश्रम के पहले संदीप रेड्डी वांगा ने इनको बताया था एनिमल के कैरेक्टर के बारे में, तो जब आश्रम का निगेटिव रोल नहीं कर पाया था, तो बॉबी देओल के दिमाग में वो मतलब उस तरह का कैरेक्टर, उस तरह का खूंखार निगेटिव रोल कैसे आता। अब राजवीर देओल उसके विषय में क्या बोलते हैं, मैं पूरा वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। राजवीर देओल, मुझे याद है कि उन्होंने इस फिल्म के बारे में बहुत पहले बात की थी आश्रम करने से पहले, इसलिए वो चिंतित रहते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उनके किरदार को उनके वास्तविक व्यक्तित्व के विपरीत काम करना था। आगे वो बोलते हैं कि मैंने बस इतना कहा कि इसे करो, यह आपका काम है और मुझे लगता है कि यह आपके लिए बेहतर होगा। मैंने उनसे कहा कि आपको वह पेंट करना होगा जिसे आपका निर्देशक इस्तेमाल करना चाहता है। यदि वे हरे रंग का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको हरा होना होगा, यदि वे लाल रंग का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको लाल होना होगा। तो सोचिए कि एक ऐसे एक्टर या ऐसे व्यक्ति से उन्होंने ये बात शेयर, तो सोचिए कि ऐसे एक्टर या ऐसे व्यक्ति ने इसके विषय में सलाह दिया जो कि खुद ही उसकी पिक्चर अभी तक नहीं आई थी। और ये सलाह अच्छा है, एक्टर को ऐसे ही सोचना चाहिए, चूंकि उनका बैकग्राउंड जो है पूरी फैमिली का बैकग्राउंड जो है फिल्मी है, और ये अच्छी बात है कि वो इस तरह से सोचते हैं कि डायरेक्टर का एक्टर होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। तीसरा खबर ये है कि उन्होंने, बॉबी देओल ने बहुत ही अच्छे जो बिहाइंड द सीन जो बोलते हैं ना BTS फोटोग्राफ्स एनिमल का, उन्होंने शूट किया और डाला बेयर बॉडी काफ़ी। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने इस रोल के लिए कितना मेहनत किया, अपने बॉडी पे कितना काम किया, जिसकी वजह से जब वो एनिमल के टीजर में आप देखेंगे कि वो बाहर आते हैं जो दरवाज़ा खोल के, सीन शॉट एक ही होता है, लेकिन लोगों को उनको बॉडी से लेके लुक से लेके देख के प्रभावित हो जाते हैं। और जैसा कि मतलब ये मीडिया में आ रहा है कि वो एक शॉट ही पूरे टीजर पे भारी पड़ता है, जिसका वो बोलते हैं ना कि पूरा स्टेज शो लेके गए या पूरा नाम कमा लिया, वैसा पूरे रूल किए। मतलब उस पूरे टीजर का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बॉबी देओल की वही एक शॉट का एक सीन था। इसके लगता है कि बॉबी देओल ने अपने कैरेक्टर पे और अपने लुक्स पे काफ़ी वर्कआउट किया, जो वो बताते हैं फोटो शेयर करते हुए।
तो दोस्तों ये चाहता था मैं आपसे शेयर करना धर्मपाल जी के फैमिली के बारे में, बॉबी देओल की खबर। तो आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट सुन के। और ये जरूर सोचिए कि बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए, न्यूज़ ऐसे लाने के लिए जिससे कि आप लोग पसंद। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले फिर एक बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए भी। धन्यवाद।